इस लेक्चर में हम कुछ बटन्स की प्रैक्टिस करेंगे बनाने की, जो आपने अक्सर देखे होंगे कि अक्सर वेबसाइट्स पे बटन्स होते हैं। जैसे ये अभी मैंने पिल टाइप बटन है, ये पिल बटन इसको बोलते हैं। उसके बाद ये आपका, मैं पिल को हाइड करता हूँ, इसको घोस्ट बटन कहते हैं। ये अंदर से मतलब खाली होता है और इसके बॉर्डर्स पे यानी कि स्ट्रोक होता है। उसके बाद ये राउंडेड बटन्स है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस है। तो मैं सोच रहा था कि ये काफ़ी देर से मैंने यूट्यूब पे अपना कोई लेक्चर अपलोड नहीं करवाया, तो मैं सोच रहा था कि इसको जो है प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा आप लोगों की इसको अपलोड करवाया जाए। तो सबसे पहले हम इस पिल बटन से स्टार्ट करेंगे। इस फाइल को हम ऐसे ही रहने देते हैं। मैं एक नई फाइल खोलता हूँ, फाइल न्यू। आर्टबोर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। वेब मोस्ट कॉमन टाइप मैंने सेलेक्ट की हुई है। ये एक लैपटॉप की रेजोल्यूशन है 1366768। तो मैंने नया आर्टबोर्ड खोला। तो उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो रोबोटो मीडियम सेट किया हुआ है। आप कोई भी फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जब शुरू में डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मतलब अभी स्टार्ट है आपका, तो आप एक ही फ़ॉन्ट फैमिली पे मतलब रहें, यानी कि 2-3 फ़ॉन्ट्स मिक्स ना करें। जैसे रोबोटो जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव फ़ॉन्ट फैमिली है, इसमें ये देखें काफ़ी ज़्यादा स्टाइल है। तो अभी हम रोबोटो पे रहते हैं। मैं लिखता हूँ इसमें इफ़ यू लाइक आवर सर्विस प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, अब मैंने Ctrl A प्रेस किया, ये सारा आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गया। V प्रेस करके मैंने ये मूव टूल पे गया हूँ। उसके बाद ये सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने Ctrl D प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट कर दिया। अभी भी ये मुझे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा डिम लग रहा है, इसको हम थिन की बजाय लाइट पे ले आते हैं। ठीक है, अब ये कलर की आपकी अपनी चॉइस है। ये फ़िलहाल कलर जो है वो कुछ ये 222 हैश ये हुआ हुआ सेलेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा डल कर लेता हूँ, ये ठीक लग रहा है। अच्छा, इसके बाद हम सबसे पहले जो है पिल शेप बटन बनाएंगे। सबसे पहले आप सिलेक्ट करें यहाँ रेक्टेंगल टूल से राउंडेड रेक्टेंगल टूल, या U प्रेस करें कीबोर्ड पे, और शिफ्ट U से जो है ना ये चेंज होते हैं। देखें जैसे मैं शिफ्ट दबा के U दबाता जाऊँगा, ये सारी शेप्स यहाँ से नेक्स्ट मेन्यू पे आती जा रही है। राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट की। अच्छा, इसके बाद आपने इसका जो रेडियस है वो कोशिश करनी है कि 30 से अबव हो। तो इसको मैंने इस वक्त 40 रखा हुआ है। 40 पे आप इसको सेट करें, और उसके बाद एक जो है ना बटन इस तरह ड्रैग करके ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये हमारा बटन आ गया। अब चूंकि ये देखें इसके साथ ही लाइव शेप प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। ये अभी चूँकि इसका कलर वाइट है इसलिए आपको पता नहीं लग रहा। इसका कलर हम यहाँ से ना डबल क्लिक करके इसको ब्लू के शेड में ले आते हैं। जैसे ये ब्लू कलर है। ये मैंने कलर जो हैं वो फ्लैट कलर्स यूज़ किए हुए हैं। अगर आपने देखना हो कि ये कौन से कलर्स हैं, तो आप ये फ्लैट कलर पिकर पे भी जा सकते हैं, वेबसाइट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें flatcolorpicker.com। इसमें मुख्तलिफ शेड्स हैं। जैसे ये ब्लू में आप जाएंगे तो ब्लू में काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो हम इसमें से अभी ये वाला कलर ले लेते हैं। इसका ये देखें ये हैश कोड है, हैशटैग जिसको बोलते हैं, हैशटैग तो नहीं सॉरी, इसको बोलेंगे हेक्साडेसिमल वैल्यू है ये। Ctrl C, और यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ये देखें ये वही कलर आ गया यहाँ पे। अब मैं इसमें टेक्स्ट लिखूँगा। इसको आप रोबोटो लाइट की बजाय रेगुलर में ले आए। अब आप प्रेस करें शिफ्ट, ताकि ये इसको फॉलो ना करे। देखें अगर मैं शेप प्रेस नहीं करता, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शेप को फॉलो करेगा। ये देखें शेप के बॉर्डर्स को फॉलो कर रहा है। हमने शेप के बॉर्डर्स को फॉलो नहीं करवाना। हमने जो है वो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट लेयर को यहाँ से इसको ड्रैग करके इस आइकॉन पे फेंक दें। हमने सेंटर में टेक्स्ट लिखना है तो हम इस पर शिफ्ट दबाएंगे तो ये इस तरह यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं लिखता हूँ इसमें साइन अप नाउ, ठीक है। लेकिन इस बैकग्राउंड पे हमें ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, इसको वाइट में हम शिफ्ट कर लेते हैं जो कि ज़्यादा इस पर बेटर लगेगा। वाइट पे शिफ्ट कर लिया। अब मैं इन दोनों लेयर्स को, टेक्स्ट लेयर को और ये जो राउंडेड रेक्टेंगल लेयर थी, इन दोनों को सिलेक्ट किया, वी दबाया और इसको मैंने सेंटर लाइन कर दिया दोनों तरफ से। लेकिन अभी भी ये कुछ मुझे थोड़ा सा मतलब मिडल से ऊपर लग रहा है। इसको एक दफ़ा नीचे कर लेते हैं और मैंने इसको एक दफ़ा एरो की से नीचे मूव कर लिया है। ये देखें, ये आपका पिल शेड बटन बन गया। अब आप इसमें यहाँ से कलर चाहे जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें। जैसे ये देखें, ये है कोई भी इस तरह का जो शार्प शेड है वो इस पे काम करेगा। ये देखें, जैसे ऑरेंज मैं कर लेता हूँ, ये वाला ऑरेंज हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये ब्लू हो गया, ये डार्क ब्लू हो गया। कोई भी कलर आप चेंज करके इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका सबसे पहले पिल शेड बटन। अब हम इसको ऐसे करते हैं कि इन दोनों को ग्रुप करके कंट्रोल जी, दोनों लेयर्स को, और कंट्रोल जे। अब ये पहला था हमारा पिल बटन और जो सेकंड वन है हमारा वो है इसको हम कर देते हैं घोस्ट बटन। अब हम घोस्ट बटन बनाते हैं। उसी बटन को मैं लेने लगा हूँ और अब हम क्या करेंगे, लाइव प्रॉपर्टीज़ में ही इस पर क्लिक करें और ये लाइव प्रॉपर्टीज़ शेप टूल खोलें। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इसका जो रेडियस है ना वो कम कर देते हैं, जैसे 10 कर देते हैं, ठीक है। ये आपका बल्कि वो राउंडेड बटन तैयार हो गया। इसको हम राउंडेड पहले कर लेते हैं, फिर हम इसको उस पर जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये राउंडेड बटन बन गया। इसका कलर हम ऐसे करते हैं, ये वाला कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। अच्छा, इसके बाद इसको फिर दोबारा डुप्लीकेट कर दें, कंट्रोल जे, इसको हाइड कर लें और ये हमारा होगा घोस्ट बटन। अच्छा, अभी मैं एंड में एक चीज़ बताऊंगा मैंने क्यों इनको डुप्लीकेट किया है और क्यों ये इसके साथ हम करेंगे। अच्छा, अब हम लेयर स्टाइल्स पे आते हैं। लेयर स्टाइल्स के मैं लेक्चर्स कुछ टाइम के बाद अपलोड करवाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जैसे मैंने लेयर सेलेक्ट की हुई है इसके, अब मैं लेयर्स में आऊँगा, लेयर स्टाइल, और हम इसको स्ट्रोक इफेक्ट देने लगे। ये देखें, इसके इर्द गिर्द एक लाइन की स्ट्रोक आ गई है। जो लोग इलस्ट्रेटर या कोरल वगैरह यूज़ करते हैं उनको पता होगा स्ट्रोक क्या है। अभी हम इसको 3 पे सेट कर लेते हैं। कलर जो है वो हम थोड़ा डार्क ले लेते हैं, इसको ओके कर दें और इसको भी ओके कर दें। अच्छा, अब स्ट्रोक हमारा सेट हो गया। लेकिन घोस्ट बटन के लिए आपको पता है सेंटर से इसकी बैकग्राउंड एम्प्टी होता है, ये खाली होता है सेंटर से। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फिल प्रॉपर्टी है, फिल का मतलब है इसमें कलर जो फिलअप हुआ हुआ है, फिल को हम 0 पे सेट कर देंगे। ये देखें, अब आपका जो टेक्स्ट था वो वाइट था इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज करके कोई डार्क ग्रे कलर सेट कर लेते हैं, जैसे ये है, या आप ये कलर भी सेट कर सकते हैं जो इसके साथ है घोस्ट बटन के। अब मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि ये इतना नज़र नहीं आ रहा। 4 पिक्सल मेरा ख्याल ठीक है। और ये आपका देखें घोस्ट बटन जो है वो तैयार हो गया है। अच्छा, अब इसमें मैं पहले क्यों कह रहा था घोस्ट बटन के साथ मैं इसको, ये देखें, राउंडेड जो बटन है ये घोस्ट बटन की होवर स्टेट बन सकती है। मतलब जब आप घोस्ट बटन पे ऊपर लेके आएंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बटन जो है वो राउंडेड, मतलब ये वाला आ जाएगा। ये देखें, अभी आपको इस तरह पता नहीं लग रहा मैं, लेकिन ये है कि जब ये इसकी बेसिकली 2 स्टेट्स होती हैं, एक में ये बिल्कुल राउंडेड ऐसे नॉर्मल होता है और एक में ये घोस्ट होता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 बटन्स बनाए हैं। अगर आप अभी भी चाहें इसका, अगर प्रॉपर्टीज़ में आप इसका चेंज करना चाहें, मतलब 10 की बजाय हम 4 पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा। अगर हम 6 पे ले आएँ, 6 भी ठीक लग रहा है, 8 कुछ बेटर लग रहा है। तो ये था असल में 3 तरह के हमने बटन बनाए हैं। एक घोस्ट बटन है, एक आपका ये राउंडेड रेक्टेंगल बटन है और एक आपका ये पिल बटन है। और इसमें अब ये तीन तरह के हमने बटन बनाए हैं और लेयर स्टाइल जो है वो हमने आज यूज़ किया है स्ट्रोक इफेक्ट। सो स्ट्रोक इफेक्ट यूज़ किया है और फिल हमने जो उसका अंदर से फिलिंग थी वो ख़त्म कर दी है। फिल इफेक्ट से ये फ़ायदा होता है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ओपेसिटी कम करूँगा तो ये टोटली गायब होने लग पड़ेगा। ये देखें शेप जो है वो पूरी की पूरी गायब हो रही है विद उसके अफेक्ट्स भी। तो अगर आप चाहते हैं कि अफेक्ट्स जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहें और जो बाकी कलर है उसका बैकग्राउंड जो है उस शेप की वो मतलब ख़त्म हो जाए या गायब हो जाए, तो उसके लिए आपने फिल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ओपेसिटी नहीं यूज़ करनी। ओपेसिटी हम 100% पर रखेंगे, फिल जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। ये देखें अगर मैं फिल को कम ज़्यादा करता हूँ तो ये सिर्फ उसकी जो फिल है शेप की उसको सिर्फ अफेक्ट कर रहा है। तो ये थे हमारे आज के तीन बटन्स, घोस्ट, राउंडेड और पिल। इसको हम सेंटर लाइन कर लेते हैं, सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल A और ये सेंटर में आ गए। और ये हमारा आज का लेक्चर इस पे ख़त्म होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेयर इफेक्ट्स भी थोड़े से बता दूँ ताकि आपको बटन्स वगैरह बनाने और इसमें सारी आसानी हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट करें learnuxid.com और सब्सक्राइब करवाएं अपना ईमेल। उसके अलावा जो मेरा फेसबुक का पेज है facebook.com/learnuxid, इसको लाइक करें क्योंकि मेरी जितनी भी अपडेट्स हैं और जितने भी अपकमिंग कोर्सेज़ हैं उनका जो अनाउंसमेंट है वो फेसबुक पर सबसे पहले होती है।